अगर हम ब्रेन के ऊपर से स्टडी करें तो सबसे आगे वाला हिस्सा कौन सा? अग्र, अरे आगे वाला अग्र मस्तिष्क, मध्य वाला और सबसे पीछे वाला, कोई दिक्कत? अगर हम इस साइड देखें, इस साइड पे देखें, इस साइड ह्यूमन आईज है और माउथ, माउथ के नीचे वाला जो रीजन होता है, मैंने आपको बताया था कि माउथ के रीजन में हमारे यहाँ ये वाला पूरा हिस्सा बक्कल कैविटी कहलाता है। क्या कहलाता? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में दो प्रकार के जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत सारी गैसों को, बहुत सारी गैसों को और किसको स्टोर करते हैं? और बाकी गैसों को, ठीक है। रिस्पायरेशन इस ह्यूमन बीइंग ने किया और ह्यूमन बीइंग का रिस्पायरेशन इसके ट्रेकिया गले से होते हुए कहाँ स्टोर होगा? लंग्स में। लंग्स कितने जोड़ी होता है? दो। जोड़ी में दो नहीं बोलेंगे, जोड़ी में एक। लंग्स होते कितने हैं तब बताएंगे? दो। दोनों लंग्स में राउंड राउंड से, आप अंगूर देखे हैं? यस सर। अंगूर का गुच्छा? यस सर। अंगूर के गुच्छे की तरह संरचना होती है और उसे हम कहते हैं वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ में एयर स्टोर होती है और इसके मध्य में हमारा हार्ट होता है। हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है? अरे यार, इसे टच करते धक 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 चल रहा है, लगता है ना? हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट होता है। जब हम लोग हार्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका हार्ट जो होता है किस प्रकार से वर्क प्ले करता है, उसके कितने चेंबर होते हैं और उन चेंबर में कौन से चेंबर में शुद्ध रुधिर बहता है और कौन से में अशुद्ध। इसके डाउनवर्ड साइड में आए, ये देखिए, मैं अगर इसको उठा के आपको दिखाऊं तो और बेहतर आप देखें। ये जो हल्का सा क्रीम कलर का ये जो कलर है, ये है लीवर। क्या है? लीवर। अगर हम स्टडी वाली भाषा में समझे तो यकृत, अब भोजपुरी भाषा में समझे तो कलेजा, है ना? ये हमारा लीवर है और लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जितने बॉडी ऑर्गन्स की मैक्सिमम एक्टिविटीज होती है वो मेंटेन कौन करता है? हमारा कौन करता है? लीवर। हिंदी में क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम लोग कलेजा समझ लेते हैं, लेकिन कलेजा कौन है? अरे कलेजा तो यही ना है, कहाँ है? कलेजा। और इंग्लिश में लीवर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर उसके डाउनवर्ड साइड में आए तो डाउनवर्ड साइड में ये वाला जो रीजन है इसके ठीक लीवर के ठीक बगल वाला रीजन ये है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियास। क्या कहते हैं? पैनक्रियास। या एक मिक्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड। अब आपके सेंस में आएगा सर मिक्स ग्लैंड क्या होती है। हमारे बॉडी में थ्री टाइप्स की ग्लैंड, कितने टाइप्स की? थ्री टाइप्स की, एक इंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन और एक मिक्स्ड। फिर समझिए और आप बोलिएगा साथ में, कितने टाइप्स की ग्लैंड है? एक इंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन और एक मिक्स्ड। हिंदी में समझो यार तुम लोग नालायक। इंडो का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर से नाम बताइए, बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक मिश्रित। फिर से कितने प्रकार की ग्रंथियां? एक अंतःस्रावी, एक और एक अंतःस्रावी। का मतलब कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का सिक्रीशन अंदर करे, कहां करे? अंदर। उसे अंतःस्रावी। जो अपने हार्मोन्स का सिक्रीशन बाहर करे, बाहर। जो दोनों ओर करे, सही है? यस सर। अब एक बात और क्लियर कर लीजिए कि अंत का मतलब, अरे यार अगर हार्मोन्स का सिक्रीशन शरीर के अंदर होगा तब तो ठीक है, समझ में आ रहा है, अब बाहर करेंगे तो कौन फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा ना। आप समझिए, क्लियर कर लीजिए, अंतःस्रावी अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का सिक्रीशन रुधिर के अंदर करे, कहां करे? रुधिर के अंदर। शरीर के अंदर नहीं। किसके अंदर? रुधिर के अंदर।
और ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन रुधिर के बाहर करे उसे बाहर, जो दोनों में करे वो मिक्स ग्रंथि। ये हमारी पैनक्रियाज है और ये मिक्स ग्रंथि है। इससे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उसके कुछ हार्मोन्स इंडोक्राइन होते हैं, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब किसके अंदर? अब बाह्यस्रावी मतलब किसके बाहर? तो इसके जो हार्मोन्स निकलते हैं इसी के नाम के, एक निकलता है जूस जिसे हम कहते हैं रस भी बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशयी रस। ये भोजन के पाचन में मदद करता है, ब्लड से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। किस में मदद करता है? भोजन के पाचन में। और इससे इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा। ये बाबू अल्फा से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स निकलता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो मोटाएंगे कि कमजोर हो जाएंगे? एकदम एनर्जी। और इंसुलिन जो होता है, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़, मान लीजिए बाजार से गुजर रहे हैं, खूब गुलाब जामुन दिख गए, एकदम लालच आ गए, अब पहुंच गए साहब की दुकान पे, कौन सी दुकान जो हम लोग यहाँ बड़ा फेमस है, याद नहीं आ रहा है यार, हमारे यहाँ गुलाब जामुन बड़ी फेमस है यार, मार्केट कमला साहब की है ना, कमला साहब की एक गुलाब जामुन खाएंगे ना फिर मन करेगा दूसरे स्टॉप में जाते तो काम बन जाता है ना। तो आप मान लीजिए दूसरे गुलाब जामुन मार लिए, पेट नहीं भरा, पॉकेट में भी पैसा है, फिर मन कर दिया दूध लौंग तो खा लें, दूध लौंग लता खा लिए, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? क्योंकि आपने ढेर सारी मिठाई खा ली। यस सर। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो दूसरी सेल काम करती, जो पैनक्रियाज की दूसरी सेल है उसका नाम है बीटा सेल। क्या नाम है? बीटा सेल। अब वो काम क्या करती है कि वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, और इंसुलिन हमारे शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग? शुगर, हिंदी में मधुमेह, और उसी को और कुछ नाम से जाना जाता है। शुगर सही है ना, समझ में आ रहा है? शुगर या मधुमेह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी आती है छोटी आंत, छोटी आंत भैया मध्य में, अब बड़ी आंत बारे बारे है ना। छोटी आंत जो होती है, समझे, छोटी आंत जो होती है, नाम तो छोटा है लेकिन लंबाई में, अब बड़ी आंत तो नाम बड़ा है लेकिन लंबाई में छोटी है, लेकिन चौड़ाई में छोटी आंत पतली होती है और बड़ी आंत, समझ में आ रहा है ना। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है लेकिन वो कुंडलित होती है और पूरे बीच वाले रास्ते में, यहाँ फिर समझा रहे हैं। ये जो मध्य वाला रीजन है ना, ये वाला मेरा हाथ खाली नहीं हो पा रहा है तो मैं समझा नहीं। ये आ जाओ घूमके, यहाँ चपका दिया गया नहीं पाए। ये मध्य वाला जो भाग होता है ये कुंडली होती है, दूरी हालांकि लेंथ जो होती बड़ी होती है लेकिन जो थिकनेस होती है चौड़ाई होती है वो कम होती है। अब छोटी आंत का काम समझिए, अरे जो पहले हम भोजन करते हैं ना, अरे यार हम तो भूल ही गए, ये स्टमक है, अमाशय, स्टमक माने अमाशय का, जब यहाँ से खाते हैं ना यहीं से होते हुए कहाँ जाता है? अमाशय, पहले अमाशय में जाएगा, अमाशय में अच्छा कभी कभी ये फील होता है ना कि जब तीन चार रोटी मार लिए तो पेट छोड़ते हैं कि पेट भरा की नहीं, जब तक मैंने खाली दिखता तो दो रोटी और खा लेते हैं तो पेट पानी थोड़ा पीते कहते हैं आप भैया ना पेट। आप मुझे बताइए जब आप फीडिंग करते हैं खाना खाते हैं तो भोजन डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है कि स्टमक में रहता है? स्टमक में। यस सर। दो से तीन घंटे की तीन से चार घंटे, तीन से चार घंटे भोजन कहाँ रहता है? स्टमक में रहता है, स्टमक को हिंदी में अमाशय। और इससे बहुत सारे रस निकलते हैं लेकिन मैं केवल एक चीज के ऊपर डिबेट कर रहा हूँ। इससे एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है HCl, पूरा नाम बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करता क्या है? अगर मान लीजिए आप जल्दी जल्दी खाना खा लिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, एकदम जल्दी जल्दी खाना खा लिए, एक रोटी को दूसरे बार तोड़े आधी आधी,
और आधा पूछिए आधा वैसे ही मार दिए। निकल लिए, तू भाई पचेगा कि नहीं पचेगा? कौन पचाएगा हमारा? अमाशय। और उससे निकलने वाले HCl, वो जो बड़े पार्ट चले जाते हैं गलती से, आप जल्दी जल्दी में चबा नहीं पाते हैं, अगर बड़े पार्ट चले जाते हैं तो HCl उसको छोटे छोटे भागों में गला देता है और भोजन को एकदम लुगदी की तरह, लेई की तरह, लेई देखे हैं? अरे जब पोस्टर चिपकाते तो लेई बनाते नहीं, लेई की तरह नाम रस की तरह बना देता है। और उसके बाद जब बन जाता है, इसके अलावा HCl का और भी काम है, मान लो आपको हालांकि नॉलेज हो गई है तो खूब अच्छे से साबुन से हाथों धो के खाते थे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेल नहीं कटा तो नेल में गंदगी पड़ी रहती है, और हाली हाली मार ली उसी में दुई दरिया, जब खा लेती तो पूरी नेल की गंदगी कहाँ चली जाती है? अमाशय। तो जो HCl सिक्रीट होता है ना, सही कर रहे, HCl जब सिक्रीट होता है ना बाबू, तो HCl काम क्या करता है, जो आपके हाथ की गंदगी है, पानी की गंदगी, उसमें वायरस और बैक्टीरिया, उसको क्या कर देता है? HCl हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, भोजन के छोटे पार्ट को क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता, गला देता है आधा। इसमें भोजन का अर्ध पाचन होता है। कैसा पाचन? पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी, जब छोटी आंत में भोजन पच जाता है तो छोटी आंत के अंदर, आपने पढ़ा है क्लास 10th में कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसे हम कहते हैं हिंदी में बड़ा बढ़िया नाम है रसांगुर, है ना? अब रसांगुर काम क्या करता है कि आपने जो खाना खाया है ना, वो जब पच जाता है तो उसका न्यूट्रिएंट मटेरियल्स रसांगुर अवशोषित कर लेता है। अवशोषित समझ रहे हैं ना? मैंने आपको समझाया कि अगर सुखंता आपके पास है उसको पानी में डाल देंगे तो वो क्या कर लेगा? पानी को सोखना ही क्या कराता है? नहीं पहले पढ़ रहा था, पढ़ रहा है ना? अवशोषण समझ में आ रहा है? अगर आप सुखंते को पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सोखना ही क्या कहलाता है, है ना? मैं आपको छोटी छोटी भाषाओं में भी समझा रहा हूँ ताकि आप अपने जो बाहरी नॉलेज है उसको अपने बिगेस्ट नॉलेज से जोड़ सके। विली क्या करती है, जो छोटी आंत में है वो उस समस्त न्यूट्रिएंट को यहीं से अवशोषित कर लेती है, और इसके बाद वेस्ट मेटेरियल कुछ अवशोषित पदार्थ बचते हैं तो वो भैया चले जाते हैं, जो हरा हरा वाला रीजन है ये, ये वाला आस पास जो चारों तरफ से घेरा वाला, इसलिए होता है बड़ी, और बड़ी आंत और छोटी आंत जहां मिलती है उस वाले रीजन पे एक छोटी सी फिंगर लाइक ग्लैंड होती है ऐसे लटकी हुई, और वो होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग का मतलब होता है जिसका कोई काम नहीं, वो हमारे शरीर में रहती। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भोजन ट्रांसमिट होते छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते समय कभी कभी भोजन क्या हो जाता है कि अपेंडिक्स में चला जाता है, और जब अपेंडिक्स में चला जाएगा तो भोजन का वहां पाचन वाचन नहीं, तो भोजन सड़ने लगता है, और जब सड़ेगा तो मजा आएगा कि दर्द होगा? बहुत हैवी दर्द करता है, और उस रोग को कहते हैं तब यही फाड़ा जाता है, यही पे तो यहाँ पे ये जो कट है आप देखिए, यहाँ पे कट लगाया जाता है और अपेंडिक्स यहीं पे होता है, और उसको कट करके निकाल देते हैं। जब कोई डॉक्टर समझदार होता है और जब भी किसी व्यक्ति के का ऑपरेशन होता है पेट का, तो उसी ऑपरेशन के दौरान वो क्या करता है, यहाँ कट लगाकर अपेंडिक्स को निकाल देता है ताकि दूसरा ऑपरेशन न हो, ठीक है? इसके आसपास जो होती है बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत समस्त अवशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देती है शरीर से। आज के लिए इतना ही, फिर से आएंगे तो टॉपिक जब स्टार्ट होगा ह्यूमन स्केलेटन तब आपको सुनूंगा। क्लास समझ में आई? यस सर। अच्छा फील हुआ? यस।